अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं बीजे ट्यूब वेब टीवी। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बहाउद्दीन ज़कर यूनिवर्सिटी के खूबसूरत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में आपको दिखाएंगे चेयरमैन साहब का इंटरव्यू, यहाँ की फैसिलिटीज, इनके स्टाफ से करेंगे बात और कुछ करेंगे तुलबा से बात। तो आइए हमारे साथ वीडियो को कम्प्लीट देखें। कॉमर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अख्तर साहब मौजूद हैं, हम उनसे आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, हमारे नाज़रीन को अपने बारे में और कुछ डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जी मैं चेयरमैन हूँ डिपार्टमेंट कॉमर्स का बहाउद्दीन से। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी इंतजाम से, डीसी साहब की तरफ से ये बहुत अच्छा और अहम कदम है कि उन्होंने वेब टीवी का आगाज़ किया। इससे न सिर्फ यूनिवर्सिटी के टीचर्स को, डिपार्टमेंट को, तलबा तलबात को अपने मौके बयान करने में आसानी होगी, बल्कि ये हमें मार्केटिंग के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर लोग जो हम जो हमें नहीं जानते या हमारे बारे में जिन्हें कम मालूम हैं उन्हें हमें अपनी जानकारी पहुंचाने का एक मौका मिलेगा। तो मैं आपका और वेब टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से आपको वेलकम करता हूं। ये डिपार्टमेंट 1995 में बना था और मैंने इसे 2000 में ज्वाइन किया था जब मैं पीएचडी करके वापस आया। हमारे यहाँ वी स्टार्ट विद वन प्रोग्राम एम कॉम कॉमर्स, उसे हमने शुरू किया। उसके बाद फिर हमने एम एस सी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एम फिल कॉमर्स और मास्टर्स इन कॉमर्स शुरू किया। आजकल हमारे पास तकरीबन 8 प्रोग्राम हैं, उनसे 3 बैचलर्स हैं, 3 जो है 2 मास्टर्स हैं, 2 एमफिल हैं और 1 पीएचडी प्रोग्राम है। और इस वक्त हमने एक दो दो नए प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, यानी अप्रूवल के प्रोसेस में, अप्रूवल हो गई है तो प्रोसेस ऑफ सीखे गए फ्रॉम डी एच सी। तो वो जब होंगे ऐड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम 10 हो जाएंगे। और दोनों ऑनलाइन प्रोग्राम हैं क्योंकि एच सी की डिसीजन है कि आप यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस करने के तहत ऑनलाइन प्रोग्राम। सर, आप हमें डिपार्टमेंट के जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में बताइए कि यहाँ से जो बच्चे हैं वो क्या क्या सीखते हैं, यहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ क्या दी जाती हैं और क्या क्या यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें भी करवाई जाती हैं या नहीं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाए। उसके लिए हमारे तमाम प्रोग्राम जो बैचलर के हैं उनमें इंटर्नशिप के प्रोग्राम्स हैं, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते की ट्रेनिंग करते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में, मल्टीनेशनल कंपनीज में और मुख्तलिफ बैंक्स के साथ, कंपनी के साथ हमारे जो है वो अपना MOUs हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वहाँ पर जाकर वो इंटर्नशिप करें। इसके अलावा ये है कि हम क्लासेस में बाहर से जो एक्सटर्नल स्पीकर हैं, पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री, वो भी आते हैं, वो आके यहाँ पर अपने सेमिनार देते हैं, लोगों को बताते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रैक्टिकल लाइफ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार होते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसी तरह जो है हमारे अपना ये जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है उसमें हम जो कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं तो हम इंडस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि हमें पता हो कि हमने क्या पढ़ाना है इनको जिसकी इंडस्ट्री में ज़रूरत है, ताकि उस तरह की स्किल्स और ये नॉलेज लेके यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री से सक्सेसफुल होकर बाहर जाएं, ताकि इंडस्ट्री में इन्हें एब्जॉर्ब होने के लिए कोई मुश्किल ना हो। मुख्तलिफ जो कोर्सेज हैं इस वक्त, फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री में या बैंक्स में या हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स में उसमें जिनकी डिमांड है उसमें हम इनको ओरिएंटेशन देते हैं और अच्छा उनको पढ़ाते हैं ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ उस फील्ड में जाएँ, ताकि उन्हें वहाँ पर कामयाबी का सामना और डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा नाम है। सर, हमें ये बताइएगा कि जो यहाँ से लड़के, यहाँ के स्टूडेंट पढ़ के गए थे और अब वो अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड का बेसिकली इनका स्कोप क्या क्या है? और यहाँ से कुछ लोग जो ग्रेजुएट्स होके गए हैं वो अपना पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कौन से फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं या फिर उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं माशाल्लाह बहुत सारे जो हमसे रबते में हैं उनका तो मुझे पता है कि मसलन वो कंट्री हेड लेवल तक पहुँचे हुए हैं। हमारे बहुत अच्छे ग्रेजुएट सीनियर लेवल पोजिशन पर काम कर रहे हैं, बैंक कलाम मुल्तान से ताल्लुक उनका, इसी तरह बैंक इस्लामी, मीज़ान बैंक, नेस्ले, पेप्सी कोला, कोका कोला, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ तो
अपना सऊदी अरब में मोबाइल कंपनी एसटीसी और इसी तरह दुबई में बहुत सारी जो अकाउंट्स की और फाइनेंस की कंपनी हैं उनमें हमारे ग्राहक दोस्त इस बारे में मफहूम ये है कि आपने फरमाया कि 7 हिस्से रिस्क कारोबार में हैं, 2 हिस्से रिस्क जो है वो ज़रात में फार्मिंग में है और 1 हिस्सा रिस्क नौकरी में। तो इस हदीस की रोशनी में हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ कि वो कारोबार की तरफ जाएँ, नौकरियाँ देने वाले बने, नौकर ना बने, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑफर करनी चाहिए, वो सोसाइटी का बोझ जो है वो कम हो ताकि लोगों में एक मोटिवेशन हो, जज्बा हो कि हम अच्छे कारोबारी बन सकते हैं। यकीनन हर बंदे में ये पोटेंशियल नहीं होता कि वो कारोबारी बने, अच्छा कारोबार करें, लेकिन जिनमें है उसको हम पॉलिश करते हैं और उनको इनक्रेज करते हैं कि वो आगे आएँ और डिपार्टमेंट को जो है आगे लेके चलें, यूनिवर्सिटी में उनका कंट्रीब्यूशन हो, मुल्क की डेवलपमेंट में, मुल्क की तरक्की में उनका जो हिस्सा हो, और वो बहुत सारे। शुक्रिया सर। और मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जो न्यू बच्चे इस शोबे में आना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि अगर वो किसी का माइंड है, माइंड सेट बना हुआ है कि हमने बिजनेस में आना है या इस शोबे को अपनाना है, तो वो कैसे आ सकते हैं? और कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पीछे माँ बाप सपोर्ट नहीं कर सकते, तो क्या इस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट की तरफ से कोई उनको स्कॉलरशिप या कोई ऐसी फाइनेंशियल एड दी जाएगी? जी, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका। इस सिलसिले में मैं ये मेंशन करता चलूँ, माशाल्लाह इस साल जो हमने दाखिले किए हैं वो 140% की कम्पेयर टू द लास्ट मैनी ईयर्स। उसकी वजह यह है कि कोविड की सिनारियो में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे चुके हैं, और फिर हमारे लिए भी उनको यहाँ का फिजिकली टेस्ट के लिए बुलाना मुश्किल था, तो हमने सेक्शन में उनके दाखिले लिए, टेस्ट लिए, एंटी टेस्ट लिए, फिर उन्हें यहाँ दाखिल किया, और इस वक्त हमारी जो इनपुट है वो बाकी यूनिवर्सिटी से काफ़ी बेहतर है। और माशाल्लाह इस सिलसिले में वाइस चांसलर साहब और ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं यूनिवर्सिटी को, डिपार्टमेंट के अक्सर चक्कर लगाते हैं, हमारे मसाइल को सुनते हैं, उनका हल भी अपना तजवीज़ फरमाते हैं, और हमारी पूरी पूरी मदद करते हैं। बाकी जो है अपना फाइनेंशियल एड की जो हवाले से बात है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से अच्छे स्कॉलरशिप इस वक्त दिए हुए हैं, बैतुल माल है और एहसास प्रोग्राम है। हमारे डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हम ट्यूशन फीस की जो है मद में हेल्प करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। और I did my MBA with specialization in finance in 1994, and after that I thought that IT is very important in teaching, so I started my MSc commerce in year 2000 and completed in 2002 with gold medal. I am the person in the faculty who तो जी मैम, जैसे कि आपको बहुत अच्छा हो गया इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, और यहाँ से आप स्टूडेंट भी थी, यहाँ से पढ़ा भी था, और यहाँ पे आप टीचिंग भी कर रही हैं और HOD भी हैं, हमें हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट की कौन सी एक कोई ख़ास बात है जो कि आपको यहाँ पे महसूस हुई है बहुत अच्छा से? आप सबसे यूनिक फीचर मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये है कि हम हर साल अपना करिकुलम अपडेट करते हैं, और उस अपडेशन में हम तमाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रैंकिंग वर्ल्ड की हैं उनको हम शामिल करते हैं अपनी जो है अपग्रेडेशन के अंदर। और दूसरी अहम बात यह है कि हम नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर्स वी आर विनिंग द बेस्ट पेपर अवार्ड। अभी 2021 में भी मेरे रिसर्च पेपर को बेस्ट पेपर अवार्ड मिला, और न सिर्फ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेज बल्कि इंटरनेशनल वर्ल्ड इस्लामिक फाइनेंस की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी $2,000 का बेस्ट पेपर अवार्ड मी एंड माय कॉलीग डॉक्टर दिशान हैज वन। इसके साथ साथ ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने की कोशिश करते हैं। जी हमारे साथ यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम और आपका सेमेस्टर? मेरा नाम है फातिमा अमान, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फाइनल ईयर।
जी फातिमा, आप जैसा कि आप फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आप बताइए कि इस डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस क्या था, कैसा रहा, और यहाँ के जो एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में जो न्यू हमारे स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा बताइएगा। वेल, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। हमारी काफ़ी ग्रूमिंग हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उनके इनर टैलेंट को बाहर लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कॉमर्स एग्जीक्यूटिव फोरम के नाम से, जिसमें मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई वॉज सेलेक्टेड एज अ फीमेल हेड ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन, एंड मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए हैं, हमने बिजनेस टूर्स किए हैं, ट्रिप्स अरेंज किए हैं, एनुअल फंक्शन एंड डिनर्स अरेंज किए हैं, जिनमें मैंने अपनी जो स्किल्स को डेवलप होते हुए देखा है, अपनी लीडरशिप्स को डेवलप होते हुए देखा है। उसके अलावा हमने उन इवेंट्स को एंजॉय करने के साथ साथ बहुत सारी जो है ना अपनी स्किल्स को डेवलप होते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल अली, आई एम द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर इन बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बेसिकली मैं यहाँ पर जब एडमिशन हुआ है वो मेरा बाई चांस, लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके सीखा चीज़ों को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, मेरी एक ग्रूमिंग हुई, मुझे यहाँ से मोटिवेशन मिली, और जिसकी वजह से मेरे जो मैंने यहाँ से लर्न किया, तो आज मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे आया और जिन्होंने मुझे यहाँ से मोटिवेट किया, और आज ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मेरा पैशन बना, मेरी डिग्री मेरा पैशन बन गई, और मैं अपने एक फ्यूचर में अपने आप को ना एक बहुत अच्छी जगह अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, यहाँ के फैसिलिटीज़, यहाँ के एचओडी से हमने की बात, और यहाँ के सारे आपको बच्चों से की बात, और यहाँ के स्टाफ से भी हमने बात की। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अपने मेज़बान आमिर चांद खान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।